आज की मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी मस्जिद के बारे में जिसका नक्शा तुर्की से आया है, और ये उसका आप नक्शा देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो खूसियत वाली बात है, इसके चारों साइड बराबर है, मतलब सेम है। अक्सर आपने मस्जिद में देखा होगा कि उसका मेहराब वगैरह बाहर की जानब होता है, लेकिन इसका मेहराब बाहर नहीं है। तो आज मैं उसके आपको विज़िट भी करवाऊंगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको आज पूरी मस्जिद का बाहर साइड से पहले फ्रंट साइड से विज़िट करवा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसका फ्रंट साइड है। ये देखें दोस्तों, जैसे आपने नक्शे में देखा वैसे ही बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन है इसका। ये देखें, अब मैं इस साइड से आपको दिखा रहा हूँ, और ये वाला इसका मीनार है जो कि अभी काम जारी है मस्जिद का। और ये इसकी राइट साइड है मस्जिद की, यह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी राइट साइड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये इसकी राइट साइड है। अभी मैं आपको अंदर से भी इसका विज़िट करवाऊंगा, तो अंदर से भी आप जब देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। तो ये देखें इधर से, ये इसकी राइट साइड है, और ये इसका बैक है। ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें सबसे ज़्यादा खसूसियात है वो यही है कि इसका मेहराब आपको बाहर से नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, अभी काम जारी है इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, और ये फिर इसकी फ्रंट साइड आ गई, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके जाता हूँ और अंदर से मस्जिद का विज़िट करवाता हूँ। तो दोस्तों एक मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसका बरामदा है, मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ अभी। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि इधर अभी भी कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह पड़ा है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन इसके जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के तआवन के ज़रिए ही ये काम जारी है। और ये देख सकते हैं आप सीढ़ी, ये सीढ़ी है ऊपर जाती है इसके, ये देखें ये ऊपर से बंद है फ़िलहाल। तो और अब मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि शापर वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द इंशाल्लाह पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दरवाज़े भी बहुत जल्दी लग जाएंगे। दरवाज़े बन रहे हैं, जो कि एक दरवाज़े पे इसकी लागत आ रही है तकरीबन 3.5 लाख रुपये। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा, तो दोस्तों अब मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ। तो ये देखें आप अंदर से, और अब मैं आपको ये देख सकते हैं आप इसका सामने वाला, ये मेहराब है इसका, और मेहराब के अंदर ये देखें दो छोटे छोटे रूम हैं। एक रूम ये देखें, इधर मस्जिद के कारी साहब हैं, जो उनके लिए उनकी किताबें वगैरह इधर होती हैं। और ये रूम है जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये वाला रूम, ये साउंड के लिए है। इधर स्पीकर वगैरह मस्जिद के हैं अजान वगैरह देने के लिए। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये घड़ी लगी हुई है, इस पर तमाम नमाजों के टाइम वगैरह ये देखें चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें टोटल 6 विंडो लगी हुई हैं। तो ये देखें और देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 विंडो हैं जस्ट इसके हाल में। बाहर बरामदे में 2 अलग हैं, लेकिन अंदर इसके हैं 6। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें गर्मियों में हबस वगैरह नहीं होता है, इसमें वेंटिलेशन की बहुत वेंटिलेशन का निज़ाम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं 3 इधर हैं, इस साइड पर विंडो हैं, और 3 ये आप देख सकते हैं, ये 3 विंडो हैं, 2 ये और 1 इस साइड पे।
और इस सबसे जो मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है वो है इसकी 90 फीट 90 फीट, और जो इसकी चौड़ाई है वो 60 फीट 60 फीट है इसकी चौड़ाई। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखें आप, 90 फीट इसकी चौड़ाई लंबाई है, और देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो पिलर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, कॉलम सिर्फ दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और अब मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ, ये देखें आप, इसकी छत सीलिंग करवाई है अभी अभी, और ये देखें अभी इसको कलर वगैरह रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये पंखे वगैरह एक साइड पे लग गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, और ये अभी कुछ पंखे रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये चीज़ ये देखें, ये है इसका गुंबद, जो आपको बाहर मैंने नक्शे में दिखाया, आप सोच रहे होंगे कि गुंबद तो नहीं है इसमें, लेकिन ये देखें आप, गुंबद है। इसको जस्ट आर्जी तौर पे बंद किया है, और जब भी पैसे आएंगे तो इधर इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये गुंबद है इसका। और मैं अभी आपको फिर बताता चलूँ कि ये दरवाजे अभी इसके रहते हैं, इंशाल्लाह वो मैं पार्ट टू में आपको दिखाऊंगा कि दरवाज़े इसके बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत महंगे वाली लकड़ी के साथ बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि एक दो वीक में आ जाएंगे दरवाज़े, तो वो भी जब लग जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के हैं वो। और अभी बहुत सारा काम इसका बाकी है, जैसे जैसे इंशाल्लाह काम होता रहेगा मैं आपको वीडियो इसकी देता रहूँगा। ये देख सकते हैं कि अभी अभी रिसेंटली इस पर मार्बल भी अभी अभी लगाया है, यही कोई एक मंथ गुजरा है, ये आप देख सकते हैं मार्बल भी अभी लगाया है। तो अगर और जैसे ही दरवाजे लगेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूं आपने ऐसी मस्जिद पहले कभी नहीं देखी होगी इधर, तो इसका नक्शा बाकायदा तुर्की से आया है, और अभी इस पर काम वगैरह जारी है, जैसे जैसे काम होता जाएगा तो मैं आपको इसकी वीडियो देता रहूँगा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नी के पास।